हेलो दोस्तों, तो कल खेला जाएगा हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का AFC Under-23 क्वालिफायर का अपना मैच। तो पहला मैच खेलेगी हमारी इंडियन फुटबॉल टीम कल 9 सितंबर को, जो कि चाइना की Under-23 फुटबॉल टीम के साथ होगा। ये हमारे ग्रुप का ये सेकंड मैच होगा, क्योंकि हमारा जो पहला मैच था मालदीव फुटबॉल टीम के साथ, जो कि 6 सितंबर को होना था, वो मैच कैंसिल हो गया था, क्योंकि मालदीव की जो फुटबॉल टीम है उसने AFC Under-23 क्वालिफायर से अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, तो वो मैच नहीं हो सका था। अब जो हमारा जो सेकंड मैच है इस ग्रुप का, वो खेला जाएगा 9 सितंबर को, जो कि कल होगा चाइना की फुटबॉल टीम के साथ। तो सिर्फ अब हमारे ग्रुप के अंदर सिर्फ दो टीमें बची है, जो कि है UAE और चाइना। तो ये हमारे ग्रुप के अंदर दो टीमें हैं, और तो अब सिर्फ हमारे ग्रुप से सिर्फ दो टीमें निकल के जा सकती है इस AFC Under-23 के जो मेन टूर्नामेंट होगा, वो भी कुछ इस तरीके से जाएगी कि जो भी हम सभी ग्रुपों में से जो 11 ग्रुप बने इस AFC Under-23 क्वालिफायर के अंदर, तो हर ग्रुप के अंदर चार चार या तीन तीन टीमें बची हैं। तो हर ग्रुप से जो टॉप टीमें करेगी, तो वो तो 11 ग्रुप है, तो हर ग्रुप से जो टॉप टीम करेगी वो जाएगी AFC के जो मेन टूर्नामेंट होगा उसके लिए वो क्वालिफायर कर देगी। बाद जो हर ग्रुप से जो टॉप 5 सेकेंड रनर टीम होगी वो भी क्वालिफाई करेगी AFC Under-23 के जो मेन टूर्नामेंट के लिए। तो ऐसे मिलाकर टोटल 16 टीम क्वालिफाई करेगी AFC Under-23 एशियन कप के लिए मेन टूर्नामेंट में। तो रास्ता काफ़ी मुश्किल है हमारी Indian Under-23 फुटबॉल टीम के लिए। हमारे ग्रुप में सिर्फ अब दो टीमें बची है, जो कि है चाइना और UAE की टीम, जिससे हमारा कल मैच खेला जाएगा चाइना की Under-23 फुटबॉल टीम के साथ। तो चाइना की Under-23 फुटबॉल टीम के साथ आज तक हमारा कोई मैच नहीं हुआ है। Under-23 का हमारा आज तक चाइना की फुटबॉल टीम के साथ मैच नहीं हुआ है। सीनियर टीम का हमारा मैच हो चुका है चाइना की फुटबॉल टीम के साथ। तो ये हमारा पहला मैच होगा चाइना की Under-23 फुटबॉल टीम के साथ, दोनों ही टीमों का पहला मैच होगा। तो कल खेले जाने वाले मैच के अंदर चाइना की फुटबॉल टीम को काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि उनके ही होम में ये मैच खेला जाएगा, और चाइना की टीम को काफ़ी अपने क्राउड का भी सपोर्ट मिलेगा इस क्वालिफायर के अंदर, क्योंकि सारे ही अपने ग्रुप स्टेज के वो मैचेस होस्ट कर रहा है। और चाइना की फुटबॉल टीम ने जो अपना पहला मैच खेला था UAE की फुटबॉल टीम के साथ, जो कि ड्रॉ हुआ था, 0-0 पे निल रहा वो वाला मैच, तो दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया इसके अंदर। UAE की टीम को भी अपने ग्रुप के अंदर एक पॉइंट मिला, और चाइना की फुटबॉल टीम को अपने ग्रुप के अंदर एक पॉइंट मिला। तो अब चाइना का भी एक मैच रह गया, जो कि कल खेला जाएगा हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के साथ, और UAE का भी एक मैच रह गया, जो कि 12 अगस्त को खेला जाएगा हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के साथ। तो अभी हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के पास दो मैच है, जो कि कल खेलेगी हमारी इंडिया की टीम चाइना की Under-23 फुटबॉल टीम के साथ, और 12 तारीख को एक मैच खेलेगी जो कि UAE की फुटबॉल टीम के साथ। तो इंडिया फुटबॉल टीम के पास, हमारी इंडिया की जो Under-23 की जो फुटबॉल टीम के पास एक अच्छा चांस है इस AFC Under-23 के जो एशियन कप के मेन टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने का। अगर हमारी इंडियन फुटबॉल टीम अपने ग्रुप के अंदर टॉप करती है, अगर हमारी फुटबॉल टीम इन दोनों टीमों से एक मैच जीत लेती है और एक से ड्रॉ कर लेती है, तो हमारी इंडियन Under-23 की टीम एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी, और पहली बार इस AFC Under-23 एशियन कप कप के लिए क्वालिफायर करेगी। तो ये एक अच्छा चांस है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के पास। मगर मैच से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, कल जो हमारा मैच खेला जाएगा चाइना की फुटबॉल टीम के साथ, ये आसान नहीं रहने वाला, ये इजी नहीं होने वाला, काफ़ी टफ मैच होने वाला है चाइना की फुटबॉल टीम के साथ, क्योंकि चाइना की फुटबॉल टीम ने UAE की टीम से ड्रॉ कराया है ये वाला मैच, और UAE की टीम काफ़ी अच्छी टीम है, आप सभी को पता है कि एक गल्फ की टीम है, क्योंकि पिछली बार AFC Under-23 क्वालिफायर के अंदर हमने UAE की टीम से ही सिर्फ मैच हारा था, और बाकी हमने अपने ग्रुप के सभी मैच जीते थे। हमारा जो मैच हुआ था किर्गिस्तान की टीम से हुआ था, जिसमें हमने पेनल्टी शूट आउट में किर्गिस्तान की टीम को हराया था, और UAE और एक ओमान की टीम से मैच हुआ था जिसमें हमने ओमान की टीम को हराया था, और सिर्फ हमने अपने ग्रुप में UAE की टीम से मैच हारा था। तो चाइना की टीम ने UAE की टीम के साथ इस मैच में ड्रॉ खेला है, तो आप समझ सकते हो कि चाइना की फुटबॉल टीम काफ़ी अच्छी टीम है Under-23 की, और चाइना की टीम शुरू चाइना की टीम ने अपनी प्रिपरेशन करके आ रही है, उनकी टीम को प्रिपरेशन कैंप मिला हुआ था, और हमारी जो इंडियन Under-23 फुटबॉल टीम और जो हमारी इंडिया की जो Under-23 फुटबॉल टीम के
टीम है उसको भी बिल्कुल प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर प्लेयर हैं, ज़्यादातर मोस्टली प्लेयर हमारे डूरंड कप टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे थे, और जो हमारे जो ISL के जो क्लब हैं उन्होंने बिल्कुल भी अपने प्लेयरों को रिलीज नहीं किया। हमारी AIF ने काफ़ी रिक्वेस्ट की सभी क्लबों से, मगर जो हमारा कैंप लग रहा था 15 अगस्त से वो बिल्कुल भी नहीं लगा, और सिर्फ हमारे जो मैच स्टार्ट होने से पहले जो AFC Under-23 क्वालिफायर के जो हमारे मैच स्टार्ट हुए थे 6 तारीख से जो कैंसिल हो गया था, उससे सिर्फ 2-3 या 4 दिन पहले हमारे खिलाड़ी अवेलेबल हुए इस कैंप के लिए, प्रिपरेशन कैंप के लिए। तो सिर्फ 4-5 4 दिन या 3 दिन के अंदर क्या प्रिपरेशन हो सकती है, आप सभी को पता है। इतने बड़े AFC Under-23 एशियन कप क्वालिफायर के जो टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें हमारी आज तक इंडियन फुटबॉल टीम ने आज तक क्वालिफायर नहीं किया है, तो ऐसे टूर्नामेंट के लिए हमारी इंडिया तो ऐसे टूर्नामेंट के लिए हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के वो कैंप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, प्रिपरेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 2 हफ्ते का तो कैंप हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को मिलने चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं मिला हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को। तो क्लिफर्ड मेनांडो को बिल्कुल भी प्रिपरेशन कैंप के लिए लड़के नहीं मिले, तो कुछ खिलाड़ी ही प्रिपरेशन कैंप के लिए हिस्सा थे। क्लिफर्ड मेनांडो के पास जो प्लेयर थे वो सिर्फ 12 ही प्लेयर थे, जो कि उनको 25 अगस्त को उन्होंने 12 प्लेयरों को प्रिपरेशन कैंप के अंदर बुला लिया था चाइना के अंदर। तो उन्होंने सिर्फ 12 प्लेयरों के साथ ही प्रिपरेशन कैंप शुरू किया था, और बाकी जो खिलाड़ी थे वो सिर्फ डूरंड कप टूर्नामेंट के अंदर बिजी थे, अपने ISL क्लब के साथ वो अपने मैचेस खेल रहे थे। तो बाकी खिलाड़ी को जो हमारी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं मिली, मगर जो 6 तारीख को जो हमारा मालदीव फुटबॉल टीम के साथ जो मैच कैंसिल हुआ, तो ये 2-3 दिन जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को मिल गए इस प्रिपरेशन कैंप करने के लिए। तो जो 6 तारीख को जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का मालदीव फुटबॉल टीम के साथ जो मैच कैंसिल हुआ, तो ये 2-3 दिन मिल गए हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखते हैं हमारी इंडियन फुटबॉल टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है कल चाइना की टीम के अगेंस्ट। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।